Brought to you by Tecno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. ब्रिटेन में आम चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को बड़ा झटका लगा है। हाल ही में किए गए एक सर्वे के नतीजों में पता चला है कि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को चुनाव में करारी शिकस्त मिल सकती है। मुख्य विपक्षी दल लिबर पार्टी एक बार फिर से इतिहास दोहराते हुए ब्रिटेन में दिखाई दे सकती है। UGOV की ओर से 18,000 से अधिक लोगों पर कराए गए सर्वे के नतीजे चौंकाने वाले रहे हैं। विपक्षी नेता कीर स्टार्मर की अगुवाई वाली लेबर पार्टी 403 में से 326 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं कंजर्वेटिव पार्टी के महज 155 सीटें जीतने का अनुमान है। इस तरह कंजर्वेटिव पार्टी को सीधे तौर पर बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। सर्वे से पता चला है कि 1997 के प्रधानमंत्री जॉन मेजर की अगुवाई में कंजर्वेटिव पार्टी की हार की तुलना में इस बार कंजर्वेटिव पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। 1997 के चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी को सिर्फ 165 सीटें मिली थी। उस समय टोनी ब्लेयर की अगुवाई में लिबर पार्टी ने कंजर्वेटिव पार्टी को करारी शिकस्त दी थी। सर्वे बताते हैं कि ये नतीजे फिर से दोहरा सकते हैं और कीर स्टार्मर की अगुवाई में लिबर पार्टी 1997 की चुनावी जीत को दोहरा सकती है। उस समय टोनी ब्लेयर की अगुवाई में लिबर पार्टी ने 659 में से 418 सीटें जीती थी। इस तरह से ऋषि सुनक एक तरह से 1997 के चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी को मिली 165 सीटों से भी बदतर स्थिति की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगामी चुनाव में हारने वाले संभावित नेताओं में चांसलर जेरेमी हंट, कैबिनेट मंत्री मिशेल डुनलान और माइकल गोव जैसे नाम शामिल हैं। इसके अलावा पेनी मॉर्डेंट और जैकब रीस-मॉग भी चुनाव हार सकते हैं। सर्वे बताते हैं कि चुनाव में लिबरल डेमोक्रेट्स पार्टी को पिछले चुनाव की तुलना में एक सीट की बढ़त मिल सकती है। वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें तो लिबर पार्टी को 41%, कंजर्वेटिव पार्टी को 24, जबकि लिबरल डेमोक्रेट्स को 12% वोट इस चुनाव में मिल सकते हैं। लिबरल डेमोक्रेट्स को 12%, ग्रीन्स को 7%, रिफॉर्म यूके को 12% और अन्य को 1% वोट मिल सकते हैं। UGOV ने 7 से 27 मार्च के बीच 18,761 ब्रिटिश वयस्कों से बातचीत की, जिसके बाद इस सर्वे को तैयार किया गया है। इसे अब तक का देश का सबसे बड़ा सर्वे बताया जा रहा है। आपको बता दें कि ब्रिटेन में फिलहाल चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि ब्रिटेन में इस साल की दूसरी छमाही में चुनाव हो सकते हैं और अगर चुनाव होते हैं तो ये मौजूदा सरकार के लिए बुरी खबर ला सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।